मिथ्या जगत त्याग तृष्णा मिटा कर प्रभु प्यार में जो हुआ है दीवाना साध कर बाध मरकट किनाई न चावे सफल मूल जीवन का पाकर खजाना कहीं मीरा विष प्याली में चेता की थाली में कहीं द्रौपदी की सारी बढ़ाता रहा अर्थ में पार्थ के सारथी सावरे श्रुति सराहा सजल गीत गाता रहा हमरे बिरहा का कहानी यहीं से शुरुआत होत बा ए भैया। एक दिन बलराम जी के मन में एक ठे प्रश्न उठल। प्रश्न का उठल? का प्रश्न यह उठल कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ही रथ को क्यों हाँकते हैं, क्यों नहीं वो दुर्योधन की रथ को हाँकते हैं? भविष्य का होने वाला दुर्योधन राजा है, हस्तिनापुर का कुमार है और अर्जुन अर्जुन तो पांचों भाई वनवासी हो चुके हैं। जब यह प्रश्न मन में उठल हो उद्गार लेके अब बलराम जी अलन भगवान श्री कृष्ण के लग गए और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के लग गए आई के आई अपन प्रश्न जीवन बा भगवान श्री कृष्ण से पेश कह दे जब प्रस्तुत कैलन हा एक लाइन या खौवाली का नमूना लगत बा। उहे खौवाली बा के उठो मुसलमान नमाज पढ़लो अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़लो अभी मेरा सर कटा नहीं है अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मेरा सर कटा नहीं है हुसैन जैसा दिया शहादत हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है लेकिन बिरहा के अंदर कहना है भगवान श्री कृष्ण के लग गए गैलन बलराम जी हाथ जोड़ के भगवान से कहलन हका अरे अर्जुन के क्यों बने सारथी अब अर्जुन के क्यों बने सारथी अरे दाऊ के विष भरा उदर है
अर्जुन के जो बने सारथी दाऊ के ए भैया प्रश्न जाके कह दिल दाऊ प्रश्न कैलन भगवान श्री कृष्ण जब सुनलन है बात के कि काहे अर्जुने का बसरथ था केला काहे ना दुर्योधन कर था केला भगवान श्री कृष्ण कहलन कि बलराम जी आज तो बड़ा कठिन सवाल कह दहला बतावे लगलन हा कहानी आगे बढ़ल शहर में भाव देवे के पड़ल लार ला 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 स्वाति की भूत सी पपा के सवर जाती है राज की बात राज ही में गुजर जाती है अकड़ दाऊ की देख मन मोहन गंभीर हुए करुण कहानी सोच अखिल सर अधीर हुए तपाय तप सतन वचन से मान प्रस्ती में वही उत्तर देगा है हिमगिरी तलहटी में जीवन यन मोल राख भोल से महफूज रहे के जीवन यन मोल राख अरे भोल से महफूज रहे बना रही तो हर सितम से जूझ रहे भगवान श्री कृष्ण कहलन बलराम जी से कि बलराम जी ई जवन प्रश्न आप पूछला कठिन सवाल कैला एकर जवाब हम ना दे सकीला एकर जवाब जाने खातिर तोके हिमगिरी की तलहटी में जाए के पड़ी ओजा एक थे महात्मा जी तोके भेटे हैं और महात्मा जी का जीवन में जिए का आधार केवल जवन बाप राख का घोल पी के ऊ आ जियेलन भगवान का भक्ति करेलन जा जा वही महात्मा जी के लगे जाइबा तुहरे सवाल मिल जाई आखिरकार बलराम जी अपनी यादवी जमात लेते हैं बाबूजी और भगवान के बतौले के अनुसार हिमगिरी के तलहटी की ओर चल दहलन यादवी जमात लेके आ जब गईलन हा त एजा गीत बदलत बा कवन गीत लागत बा मास्टर तू तो रोज रोजे तोहरी गली आईती जैसी तू तो रोज रोज तोहरी गली आईती जैसी छत पर से कह तू हेलो हेलो ए चमक छलो छत पर से कह तू हेलो और हिमगिरी तलहटी में जाई के कैलन हा का
पत्थर के साथ चली यादवी जमतिया हो। अरे हलधर के साथ चली यादवी जमतिया हो, तपसी से काहे ले तुकारी मुरारी काहे, भागल भागल बलराम जी गैलन है आदमी जमात लेके वही हिमगिरी के तलहटी में। आ जब हिमगिरी के तलहटी में पहुंचलन हम त महात्मा जी जवन भगवान श्री कृष्ण बतौले रहलन कि राख का घोल पिएलन भगवान का भक्ति करेलन उनकर बस इहे दिनचर्या है। गैलन महात्मा जी से मुलाकात भइल और हाथ जोड़लन है, प्रणाम कैलन महात्मा जी के। जब प्रणाम कैलन तो महात्मा जी कहलन कि आप बलराम नहीं। बलराम जी कहलन कि जी हम बलराम हैं। तो कैसे आगमन भइले आपका? तो कहलन बलराम जी का बतवलन अर्जुन के रथ के केवनी करानावा हो, सरकार हम यह जानल चाहतनी। हमारा मन में प्रश्न खटकत बाप कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुने के काहे रथा के लन, काहे ना दुर्योधन के रथा के लन। जब महात्मा जी सुनलन हा तो महात्मा जी का कहलन हम, अरे अर्जुन के रथा के केवनी करानावा हो, साधु काहे ले जाइबा कुछे दूरा बानावा। दवा पतई है तपा थारी मुरारी काहे, दवा पतई है तपा थारी मुरारी काहे। महात्मा जी कहलन कि सरकार ए प्रश्न का उत्तर जाने खातिर समझ जाए कि ये प्रश्न का हम जवाब ना दे पाई, जवाब दे दे तो ये शरीर के हमरा छोड़े के पड़ी। तनी अच्छे काम करा आप, ये तलहटी से तनी और कुछ दूर आगे जा जंगल में। आ जंगल में आप जाई है एक ठे और आपके महात्मा जी मिले हैं। ओ महात्मा जी का जीवन काल में दिनचर्या है कि हम तो राख का घोल पीला खाइला जवन बा खाली हवा पी के जियलन भगवान का भक्ति करेलन। जब ओइए जई हा आ जाके अपन प्रश्न दगी हा हो सकेला आपको उत्तर मिल जाए। आखिरकार बलराम जी ओइया से महात्मा जी के बतौले के अनुसार पुनः अपन यादवी जमात लेके वही जंगल की ओर निकलन हा। जंगल की ओर निकलन हा, महात्मा जी से भेंट भइल, महात्मा जी का पांव छुअलन। अब पांव छू के प्रश्न यापन कैलन हा। आखिरकार महात्मा जी कलन की कैसे आगमन भइल? कलन की सरकार एक ठेप का सवाल जाने खातिर आपके हैं। इहे हम जानल चाहत बानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुने करत काहे हा केलन, काहे ना दुर्योधन करत हा केलन। कलन की सरकार सवाल जवन बा ए सवाल का जवाब हम दे तो हमके शरीर छोड़े के पड़ी। एको काम कर, कुछ दूर और आगे चल जा। एजा गीत बदल गए मास्टर, कौन गीत बदलत बा? महात्मा जी बतावे लगलन हा बलराम जी से का बतावलन आ गीत उहे बा।
अरे सुन कैला राजा आऊ अब सुन कैला राजा बू अरे सुन कैला राजा बू कचौरी गली सुन कैला राजा कचौरी गली सुन कैला राजा बू मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौरी गली सुन नरक बा हमारी जीवनी अरे बोल मुनिराई तब पछनिया नरक में बा हमारी जीवनी हम काय आपके प्रश्न का उत्तर दे आपका प्रश्न का उत्तर बतौले से पहले ही यह शरीर के छोड़े के पड़ी। हाँ एक काम करो कवन काम करो अरे जंगल लग के बाहर जन्मी रात में लाला यही जंगल से बाहर चल जा तो के गांव भेटाई वही गांव में एक थे काम होई कवन काम होई अरे जंगल लग के बाहर जन्मी रात में लाला नवा नरक में बहा मारी जीवनी नरक में बहा मारी जीवनी मर जाइए फूटते किरिनिया नरक में बहा मारी जीवनी देखा बाबू बलराम जी से कहलन हम महात्मा जी कि महात्मा जी बलराम जी एक काम करा ए जंगल से बहरे जान तो के गांव दिखाई दे वही गांव में पहुंची हम आ एक ठे परिवार में लड़का जन्म ले लड़का तो जन्मी जरूर लेकिन ओकरे जन्म और मरण में बड़ा कम अंतर रही। लड़िकवा जन्मी रतिये में जन्मी सुबह होत हो एकदम मर जाए। हाँ एक काम करो जल्दी भागा ही जैसे जा 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 के वही लड़का से अपन सवाल पूछा। आखिरकार बाबूजी पुनः बलराम जी अपनी जमात लेकर के और वहां से चल दिए कहां महात्मा जी के बताने के अनुसार उसी गांव में जाते हैं पता लगाते हैं जिस परिवार में बच्चा जन्म लिया था गए और जा करके पूछते हैं कि लड़का जन्म लिया है क्या बतावल लोग के हाँ लड़का तो जन्म ले ले बा कहल लोग के हाँ लड़का तो जन्म ले ले बा भाई तो हम वो लड़का से भेंट कर चाहत बने कुछ सवाल पूछल चाहत बने अब परिवार का मुखिया बिगड़ न गइलन
कलन की रतिये का जन्म लैका आ जबन बाप आप सवाल करबा तोहार दिमाग तो खराब ना ना बा। दो चार लोग बटुराए गेलन कहलन कि अरे भाई जब लड़का से भेटे कल चाहत बड़न कुछ पूछले चाहत बड़न तो लड़का से भेंट करा दे लोगन का दिक्कत बा भाई। बच्चे को बाहर लाया गया दरवाजा से बाहर चरपाई बिछावल गई वही पर लड़का के लेटावल गई। लड़का जब लेटावल गई बलराम जी गईलन ओ लड़का का पैर छुअलन अब पैर छू के कहलन कि बाबू खनवा में जाके धीरे से कि बाबू हम तो से एक ठे प्रश्न का जवाब जाने खातिर आई बनी। जब इतनी बात कहलन तो मास्टर दिखाई जा फिर गीत जवन बा बदल गई कवन गीत बा गीत के हमारे पिताजी लिखले रहलन आज का समाज देख के आज का सास पतोहिन का रोहन देख के का लिख रहलन अरे नवका युग का नई बहुरिया हुकुम बजावेली अपना सासू जी से अपना सासू जी से देखना गोड़ का बबावेली देखना गोड़ का बबावेली कहलन कि ए बाबू हम तो से एक थे प्रश्न का सवाल जाने खातिर आइल बनी। आखिरकार बलराम जी कहलन ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन करत काहे अकेलन काहे ला दुर्योधन करत अकेलन आ जब कहलन तो उ लड़का जवन बा के हां को के लगल रोवे लोग जितना बड़न बटोराइल कहलन कि ए भाई का कोही दलन करवा में कि लइकवा रोवे लागल लेकिन कुछ देर के बाद लड़का जब शांत भइल हो आ लड़का देखो रतिये का जन्म बलराम जी से कहे लागल का लेकिन लड़कवा का कहला सब अरे का जलला पे नमक छिरकला बात बढ़वला हो छिरकला बात बढ़वला हो तो जनमत मरत दुसह दुख जनमत मरत दुसह दुख अरे जनमत मरत दुसह दुख हो ला दिल के दर्द बढ़वला हो मानव का जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट होला तो जीव जब ये जन्म लेला तब जीव के कष्ट होला शरीर के छोड़ेला तब ओ जीव के कष्ट होला। बलराम जी कहलन कि हम ई नहीं की पूछत कि जीव कब जन्म लेला जीव कब मरेला हमार प्रश्न बा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोज बलराम जी कहलन कि हमारी प्रश्न नहीं है हमार प्रश्न ई बा हमार प्रश्न ई बा कि भगवान श्री कृष्ण काहे अर्जुन को रथ केलन जीव कब जन्म लेला कब धरती पर आवेला कब जाला ई हम नहीं की जानल चाह त उ लड़का बतावत बा कि अरे बतियो हमार सुनबो उहे त हम बतावत हई बतावे लगल लड़का का जन्म मिला रोज होला रोज ही मरा नावा
पर लागू होला, रोज हम जन्म लेला रोज मरीला। जितना लोग बा जब सुनल तो एकदम अवाक हो गई, रे बाप रे बाप, ई लड़का का कहता। जन्म लेला रोज होला, रोज ही मरा नावा। अच्छी न बात चकी न भरल साफ कर नया नावा। कहे कथा जेहि विधि सब भइले मान बढ़वला हो। बलराम जी से वो लड़का कालस कि बलराम जी मैं रोज जन्म लेता हूँ रोज मरता हूँ, ये नियम मेरे ऊपर लागू है, सभी लोग अवाक हैं। बलराम जी कहलन कि आप रोज जन्मे लगी रोज मरे ऐसे हमके ना मतलब बा, हमार सवाल का जवाब तू दे दा। कहलन कि सुना तुहरे सवाल का ही जवाब हम बतावत है। जवाब सुने खातिर तो एगो कहानी सुने के पड़ी, कान खोल के सुन ला। कहानी सुनब ना, बलराम जी कहलन की जवाब खातिर कहानी हम सुने खातिर तैयार है। आखिरकार वो लड़का बलराम जी से बतावे लगल, का बतावल सा चेरी के अंदर कहना भाई। अरे बैरागी बंधु पारथ बिरवा, बन गई गरल गरीबी ज्ञान कुंज में यागी। अरे हा यागी, अरे हा यागी, तो चार गो ललनावा के छोड़ के बाल पनावा में। अरे स्वर्ग सिधारी गई ले बाप महतरिया। बलराम जी कहानी सुना हम बतावत है। दिन भी नहीं ना पर ही ना बनी दुनिया में, चारों भाई खाता फिरे दर दर ठोकरिया। दूध वाला मुहावा के अनना नसीब होला, अरे भूख से पीड़िता ताना तरुड़ाऊ मिरिया। चारों भाई अन्ना पीने, ए भैया चारों भाई अन्ना पीने, अरे जाई के सिवनावा में, अरे याचना कर लिए कबूलिया मातरिया। ए बलराम जी माई बाबू चार गो बेटवन के जन्माई के अनाथ कई के दुनिया से चले गेल। छोटा छोटा लड़का जौना लड़कन के दूध चाहिए भोजन भी ना नसीब होत बा, दर बदर का
ठोकर लड़का खात हुआ धीरे 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 समय गुजरे लगन और लड़का तनी और सयान भइलन। ए द्वार का मारल हो द्वार, ओ द्वार का मारल ए द्वार। एक दिन चारों लड़का चारों भाई जवन बा गइलन सिवान में आ घूम के कुछ अनाज बिलन, अनाज बीन के आ ले के आए गइलन गांव में एक ठे बुढ़िया मतारी रहले कलन हाथ जोड़ के कि भाई ए अनाज के कूट के पीस के तनी कुछ बनाई के हमने के खियाए दा। ए बलराम जी जब बुढ़िया मतारी सुनली ना चारों लड़कन का बात करे जा फाट न गई। हाय 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 ममता बरस पड़ी चारों बेटों पर, मां लेती है ले करके अनाज को कूट के पीस के रोटी बनाई के और वही रोटी पर नमक मिर्चा लगाई के लोटा में पानी लेके देन किए बेटा लजा खा लजा। उ लड़का चारों लेके अब भोजन अब करे वाला हुआ तबले भाई का बाबू रोटी तली आई के उदे देले लोटा में पानी दे देले कि ये बचवा लो जा खा लो जा। चारों लड़का कुआं का जगत पर ले के अब बैठलन खाए खातिर अब ही जवही रोटी तोड़ के या कवरा मुंह में डाले के कैलन हा तबले भइल हो का एक ठे घटना घट गई। कवन घटना घटल? अरे रोटिया ले बैठे कुआ ना वापर जाई, जर जर तानवा भिखारी बोलल आई, बाबूजी आखिरकार जवही लड़का रोटी कवरा टूट के खाए के कैलन ओही कुआं पर बा तोले एक छे दूसर
ब्राह्मण भिकारी अलन हा, भेंट पकड़ के कहे लगलन कि दाता महान भाव की जय हो, दानी की जय हो। मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए वरना मेरे प्राण बच नहीं पाएंगे, लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। अब वहीं तो लड़कवा रोटियां तोड़ के खाही के कैलन बतावत बा लड़कवा बलराम जी से कि बलराम जी सुनत रहिया, बलराम जी सुनत बाड़न कि अब ही खाए के जब ही कैलन तब ले वो आई के पेट पकड़ के कहलस कि मैं मर जाऊंगा, भोजन करा दो। अच्छा जब इतना बात भिखारी ब्राह्मण कहलन तब ले छोटका लड़कवा रहल सुनलस तो भिखारी ब्राह्मण के बात का जवाब चट दे दहलस, कैसे दहलस गीत बदलत बा। अरे बजरा करे जावा पिया के, अरे बजरा करे जावा पिया के नीर मोहिया भले हो रा, अरे तो धावा में छोटा कला लना बाबा चनावा बोले हो रा, पूरा कई के तोहर मंगनवा, पूरा कई के तोहर मंगनवा न जनवा दे बहोरा, क्या कह रहे हैं आपकी 7 दिनों से आप भूखे हुए हैं। हम लोग आज 9 दिनों से भूखे हुए हैं, बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी परिश्रम करने के बाद कहीं ये भोजन नसीब हुआ है खाने के लिए, और आपको शर्म नहीं आ रही है कि आ करके और कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। तो कहा तुहरे के दे के हमनी का मर जाइया, हम मर जाए। छोटका लड़कवा कहल कि तोरा के खिया के का हम ही मर जाई। बड़ा बात बोलस हो भिखारी ब्राह्मण के का कहलस। अरे बहुत दिन नवाप मिलल बा भोजनवा, अरे लाज नहीं लागे आके मांग पई मनवा, सुनल न भिखारी दे ही छाना बा तू खाना बा कैसे हो तू खाना बा कैसे हो, अरे पूरा कह के तोहर मंगनवा न छाना बा दे हो, लाज नहीं लग रही है, आ करके मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भोजन खिला दो मर जाऊंगा, का तोहरा के खिया के हम मर जाए। जब इतनी बात कहलस लड़का भिखारी ब्राह्मण के क्रोध है आई गई, आ जब क्रोध है लनहा तो कहा गया कि तम तमा उठा तन तेज प्रखर, तम तमा उठा तन तेज प्रखर नौ निठुर तुम्हारी काया है, दिन गया धर्म उपकार नहीं एक आज एक अर्चन ठुकर आया है। ए! 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 ए!
कलश भिखारी ब्राह्मण का क्रोध है कलश की मंगली भोजन तो तू कहत बड़ा के भोजन खिया के हो मर जाए जाओ जाओ मेरा श्राप है तुम रोज पैदा होगे तुम रोज मरोगे। अच्छा तो जब सुनलन ह बलराम जी लड़कवा कलश किए बलराम जी हम ही लड़का है रोज जन्मेला रोज बरेला अवाक एकदम बलराम जी बड़न समाज में एकदम दिमाग कैलस हो की का कहे लगल लड़का तले फिर कलश की सुना अगली लाइन में का बतौलस आल्हा के अंदर कहना भेल हमारे मझिला भैया जो थे वो भी बोल पड़े कि अइला ह मांगत बड़ा खाए खातिर का तोहरा के हम खिया के और राखी फाक के जियब त गई रहला ह ना पहले तू ओही हिमगिरी के तलहटी में जवन भेटाई रहला हन महात्मा जी हमार मझिला भैया हवन
जवन रोज रखिया भाग के रहलन इहे ना सजिलो भाई बोल पड़लन कहलन कि तोरा के का खिया के हम हवा पी के रहो तो ओइया से गइला हो ओही जंगलवा में जवन महात्मा जी के लगे जवन हवा पी के रहत लवन उहे हमार सजिला भैया हुवन ए बलराम जी तीनों जना पहमनी के ऊपर श्राप ओ ब्राह्मण के लग गई आ जब श्राप दे दहलन त बड़का भैया जवन रहलन कि देखलन कि हमारा भाइयन के श्राप मिल गइल ई ब्राह्मण श्राप दे दहलन कहलन कि सरकार हमार हिस्सा जवन बा लेके आप खाल फलुके हम ना खाई लेकिन धर्म से विचलित ना होई आपन हिस्सा उठाई के दे दहलन खाए खातिर आ जब दहलन हां तो देखो रहल के उ भिखारी ब्राह्मण चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु तुरंत अपना रूप बदल करके और चतुर्भुजधारी रूप में हो गए दर्शन दे देते हैं बड़े भैया को दर्शन दिए तो कहे कि तेरी धर्म नीति से खोसो मांग तू क्या मांगना चाहता है कहलन की सरकार हम का मांगे हम यह मांगल चाहतन कि हमारा हई भयवन का जवन शराप लगल यही शराप से मुक्ति मिल जाए ता विष्णु जी कहलन हा का बतवलन कहना भाई अरे मन में सोचे बड़का भाई ए भैया मन में सोचे बड़का भाई अरे भला ही जान भूख से जाई खुश होय के दर्शन दिहले प्रकटे रूप खरारी शेष भेष दाऊ दर्शन से अब कटी है भी बदा सारी हम हो बन में रथी वन मापी पतक दीन दर्शन देते हैं कहते हैं कि देखो तेरे भाइयों का जो है जो श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी सतयुग वाले शेषावतारी जब द्वापर में बलराम बन करके आएंगे तेरे भाइयों से मुलाकात होगी तेरे भाइयों का कष्ट श्राप खत्म हो जाएगा ता बलराम जी तू आई गई लो तीनों भाई लोगन को जवन बाप श्राप हमनी का मुक्ति मिल गई लेकिन इहो कहले रहलन का कहलन कहले रहलन कि तेरी धर्म नीति से मैं खुश हूं तेरा रथवान बनूंगा अगले जन्म में मैं द्वापर में तेरा रथवान बनूंगा बतावे लगलन हका बतावलन हा अरे शेष बने द्वापर में बलराम जी विष्णु कुंवर कधाई पार्थ बनाम परमार्थ में जो की रोटी दिया खिलाई माई कुंती कलला नमा विपत कटी बलराम जी वही मेरा बड़ा भाई जो अपना भोजन खिलाया था भगवान विष्णु के कहने के अनुसार आज द्वापर में अर्जुन बनकर के आया है तो ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ ना हके
जौना समय उ परीक्षा लेलन धर्म संकट में तीनों भाई लोगन के श्राप दे देलन आ कहले ही रहलन कि सरकार हमार तू ले ल जवन बाटे भोजन कैल लेकिन धर्म से विचलित ना हो खुश हो के उनकरा के वरदान दहलन कि द्वापर में मैं तेरा रथवान बनूंगा। आज अर्जुन को रथ ना हको तो का दुर्योधन का रथ हको। हाथ जोड़न बलराम जी कहलन कि सरकार भगवान कृष्ण तुम सत्य हो मैं गलत हूँ। यही से कहानी समाप्ति होती है। कहना हुआ क्या सदगुरु स्वामी परशुराम राधे इंदु श्री ना अरे दयाल बच्चन मधुकर छत्रधारी मर छूकर अरे शिवधर जी छोड़े साथ हो अब बैरागी बंधु पारथ बिरवा लिखे मर छु कवि अखिलेश के रस में पाजी परागी बंधु पारथ बिरवा अखिलेश के रस में पाजी हो हमारा तुम्हारा।